हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, जो कि है हमारा प्रोटीन। जी हाँ, वही प्रोटीन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से जाना जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये हमारे मसल्स को बनाने में, हारमोन्स को बनाने में, नेल्स को बनाने में, हेयर को बनाने में और साथ ही साथ सेल्स को रीजनरेट करने में हेल्प करता है, इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। तो ये सब थे प्रोटीन के फंक्शंस। तो क्या क्या प्रोटीन के फंक्शंस थे? मसल्स को बनाना, बोन्स को बनाना, एंजाइम एंड हार्मोन्स को बनाना, नेल्स एंड हेयर को बनाना, एंड ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है ये, एंड नए टिश्यू बनाने में, नए सेल्स बनाने में, एंड साथ ही साथ एनर्जी देने में भी हेल्प करता है। प्रोटीन के फंक्शंस यानी कार्य जानने के बाद अब हम जानेंगे प्रोटीन के सोर्स, यानी कौन कौन से वो फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो वो हैं एग्स, अलमंड्स, मिल्क, फिश, पीनट्स, दालें, सोयाबीन, पनीर, और दालों में मसूर की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, सोयाबीन, राजमा और काला चना। इन सभी चीज़ों में प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। बट साथ ही साथ आपको इसका भी ध्यान रखना है कि इसकी एक्सेस यानी अधिकता ना हो। किसी भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं होता है। अब आपके सामने एक मैं चार्ट दिखा रही हूँ, जो कि है कि आपको एक दिन में यानी आपके एज के हिसाब से एक दिन में आपको कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा है कि शैशवावस्था यानी इन्फेंट्स को कितना लेना चाहिए, यानी जीरो से सिक्स मंथ के बच्चों को कितना लेना चाहिए, 2.05 ग्राम लेना चाहिए। और यहाँ पर बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड में 4 to 6 एज में 30 ग्राम लेना चाहिए, दिन भर का है ये। एंड नीचे आप देख सकते हैं कि गर्भावस्था यानी प्रेग्नेंट लेडी को कितना लेना चाहिए, 50+15 ग्राम लेना चाहिए। एंड 50 एक नॉर्मल वुमेन का है और प्लस 15 ग्राम इन 15 ग्राम एक्स्ट्रा लेना चाहिए, क्योंकि यू ऑल नो कि प्रेगनेंसी में कुछ ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। सो 50+15 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और साथ ही साथ सेवन नंबर पर स्तनदान अवस्था यानी कि लैक्टेटिंग वुमेन को देना चाहिए 50+25 यानी 75 ग्राम देना चाहिए। अब जो ये दूसरा चार्ट है, इसमें लिखा है अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डिफरेंट फूड्स, यानी कौन कौन से फूड्स हैं, यानी फूड्स तो मैंने बता दिए, सोर्स मैंने प्रोटीन के बता दिए हैं, बट अभी सारे फूड्स के नाम हैं और उनमें कितना प्रोटीन पाया जाता है उसके हिसाब से आप उसे खा सकते हैं। आपको कम प्रोटीन चाहिए तो आप कम चीज़ें ले सकते हैं, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें आप ले सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा है फिश में, खोआ में, पनीर में, मूँगफली में, इस तरह से इन फूड्स में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बट कम किन किन में पाया जाता है? भैंस के दूध में कम पाया जाता है, गाय के दूध में कम पाया जाता है, माँ के दूध में कम पाया जाता है, दही में कम पाया जाता है, सूखे नारियल में पाया जाता है, ताजे नारियल में कम पाया जाता है। और नीचे भी आप देख सकते हैं 0.4 लौकी में, 0.7 मूली में, केले में 1.0 और टमाटर में 1.0, इन सब चीज़ों में कम पाया जाता है। तो आपको कम और ज़्यादा प्रोटीन, जिस तरीके से प्रोटीन चाहिए हो, तो आप इस चार्ट के थ्रू देख के प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं। अब एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन एंड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंड किस एज में कितना प्रोटीन देना चाहिए यानी डेली अलाउंस ऑफ प्रोटीन, एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डिफरेंट फूड्स। दैट ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर टीचर्स, ताकि उन्हें भी प्रोटीन के बारे में ये सारी जानकारियाँ पता चले। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर ज़रूर दूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट मी इन कमेंट सेक्शन। बाय।